विशाल देश में हर धर्म के लोग शांति से रहते हैं, अपने रिवाजों का पालन करते हैं और अपने त्योहार भी बनाते हैं। लेकिन फिर भी हर मन में एक एकता की भावना है। जब भी देश पर कोई संकट आता है, तब सब एकजुट होकर उसका सामना करते हैं।
विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, पंचायत समिति के सदस्य तथा हमारे आगंतु, आज हम लोग 15 अगस्त का आज़ादी मनाने के लिए, अमृत महोत्सव मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। 76वां आज़ादी, हाँ 76वां स्वतंत्रता दिवस है। 75 साल पूरा हो चुके हैं, आज़ादी का 76 साल है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के जितने भी वीर सपूत अपने जानों की कुर्बानी दिए हैं, उनको आज हम जयकार मनाते हैं, उनकी कुर्बानी को हम याद करते हैं। आज हम स्वतंत्र हैं। 200 वर्ष तक हमारा देश गुलाम रहा और हमारे भारतीयों के अथक प्रयास से 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी तब से आज तक हर साल 15 अगस्त को आज़ादी मनाते आ रहे हैं, और जिन्होंने भाग लिया है, जिन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी है, उनकी तादाद को हम लोग याद करते आ रहे हैं। इसे हम लोग याद करते रहेंगे, ये हमेशा के लिए याद होते रहेगा। देश को आज़ादी के बाद हमारा देश का हर क्षेत्र में विकास हुआ है और हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी करने के लिए हम किसी का, हमारे ऊपर किसी का गुलामी नहीं है। हर परिस्थिति में, चाहे जो अच्छा हो या दुखार हो, लेकिन आज़ादी कोई घटना समय करते हैं, इसे हमेशा आपको याद रहेंगे। धनोत्तोलन का समय निश्चित होता है, दिन निश्चित होता है, हर परिस्थिति में आपको निभाना है। इसे आप बस इतना ही काम करना।